वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पेपर आइकर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आपका जो बॉटनी का क्वेश्चन नंबर सेकंड यूनिट का आपका दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। बॉटनी के हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। बीएससी सेकंड सेमेस्टर के लिए, बीएससी सेकंड सेमेस्टर के लिए आज आपका क्वेश्चन नंबर दो है। इससे पहले हमने फर्स्ट यूनिट के जितने आपके लॉन्ग आंसर का क्वेश्चन है और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है और आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, फर्स्ट यूनिट आपका कंप्लीट हो गया है। आज हम बात करेंगे सेकंड यूनिट का दूसरा क्वेश्चन है आपका, जो कि आपसे पूछ रहा है टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट में स्टील तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। क्या करना है? सचित्र वर्णन कीजिए, ठीक है। यानी कि हम क्या पढ़ रहे थे? टेरिडोफाइट, ठीक है। इससे पहले हमने पढ़ा था फर्स्ट यूनिट में आपका पूरा ग्राफाइट था, सेकेंड यूनिट में आपका टेरिडोफाइट, ठीक है। तो ये भी क्या होते हैं? ग्राफाइट की तरह छोटे छोटे पौधे होते हैं, लेकिन इनमें अंतर क्या होता है? ये आपके ग्राफाइट से थोड़े डिफरेंट होते हैं, ठीक है। टेरिडोफाइट क्या होते हैं और इनके लक्षण क्या होते हैं, तो हम बात करेंगे। इनमें आपका जो स्टील तंत्र है, ठीक है, क्या पढ़ना है? इनमें स्टील तंत्र के बारे में आज हम जानेंगे, ठीक है। या आपसे पूछ सकता है कि रंभ, ठीक है, स्टील को हम क्या कहते हैं? रंभ भी कहते हैं। तो रंभ भी अगर आपका लिख के आ जाए तो समझ लेना कि क्या लिखा है, स्टील लिखा है, ठीक है। स्टील क्या है, रंभ क्या है? टेरिडोफाइट में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के रंभों या स्टीलों का विस्तार से वर्णन कीजिए, ठीक है। तो यानी कि हमें क्या बताना है? मोस्टली हमें स्टील के बारे में ही बताना है, ठीक है। विभिन्न प्रकार के स्टील या रंभ का विस्तार से हमें वर्णन करना है, ठीक। तो सबसे पहले आप बात कर लेते हैं आपका, ये जो आपका स्टील है या रंभ है, ये होता क्या है, ठीक है। किसमें? टेरिडोफाइटा की अगर हम बात करें तो कह रहा है टेरिडोफाइटा में स्टीलर सिस्टम या स्टीलर सिस्टम या हम कह सकते कि रंभीय तंत्र, ठीक है। क्या है? रंभीय तंत्र। तो रंभ का मीनिंग, ठीक है, रंभ का मीनिंग या रंभ जो आपका है, स्टील जो आपका है, इसका मतलब क्या है? कह रहा है ये होता है पिलर, ठीक है। क्या? स्तंभ। जैसे कि पिलर जो आपका स्तंभ खड़ा होता है कुछ इस तरह से, तो इसी का मतलब क्या है? रंभ का मतलब क्या है? जस्ट लाइक अ पिलर, ठीक है। कह रहा है वेन टेंगम का जूलियट 1886, जो आपके साइंटिस्ट थे वेन टेंगम और दूसरे थे आपके जूलियट, इन्होंने 1886 ने क्या कहा था कि स्टील इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ कंडक्टिव सिस्टम। क्या है? जो आपका स्टील है या जो आपका रंभ है वो क्या है? एक आपकी मूलभूत इकाई है। क्या है? मूलभूत इकाई है। कैसी इकाई है आपकी? मूलभूत इकाई है। किसकी इकाई है? कंडक्टिव सिस्टम। किसकी? कंडक्टिव सिस्टम। या आपके अगर हम बात करें तो कंडक्टिव सिस्टम मतलब आपका जो आपका चालनी तंत्र होता है। क्या होता है? चालनी तंत्र, ठीक है। ये जो आपका स्टील है या रंग है वो क्या है? फंडामेंटल यूनिट है या मूलभूत इकाई है। किसकी? कंडक्टिव सिस्टम की या चालनी तंत्र की, ठीक है, चालन प्रणाली की। कह रहा उन्होंने स्टीलर थ्योरी प्रपोज की थी, ठीक है। उन्होंने स्टील के बारे में सब कुछ बताया था तो उसी को कह दिया था स्टीलर थ्योरी, ठीक है। उनके अनुसार प्लांट्स के स्टीम बार रूट्स के प्राइमरी स्ट्रक्चर एक जैसे होते हैं, उन्होंने ये बताया था। और जो आपके साइंटिस्ट थे वेन टेंगम एंड जूलियट, इन्होंने क्या बताया था? इन्हें बताया था कि प्लांट के स्टीम यानी कि पौधों के तने और उनकी जड़ें, ठीक है, पौधों के तने और उनकी जड़ें, इनकी जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होते हैं या इनके जो प्राथमिक संरचनाएं इनकी जो होती है वो कैसी होती है? लगभग एक जैसी होती है, ठीक है, ऐसा इन्होंने बताया था। कह रहा है इन दोनों भागों में कॉर्टेक्स सेंट्रल सिलेंडर को घेरे रहता। अब ये दोनों भाग, ठीक है, किसकी बात कर रहा है? स्टेम और रूट की बात कर रहा है, ठीक है। इसमें क्या होता है? कॉर्टेक्स सेंट्रल सिलेंडर स्टील को घेरे रहता है। ये जो आपका यहाँ पर लिखा कॉर्टेक्स सेंट्रल सिलेंडर, ये क्या है आपका? स्टील, ठीक है, स्टील तो घेरे रहता है। रंभ की बाहरी परत पेरिसाइक्लिक कहलाती है। क्या कहलाती है? पेरिसाइकिल कहलाती है, ठीक है, जो कि आगे बढ़ती रहती है, जो एक या अधिक पैरेन्काइमा
लेयर्स से बनी होती है, ठीक है। ये आपके जो पैरेन्काइमा होते हैं, ये आपके क्या होते हैं, ये आपके टिश्यूज होते हैं। तो एक या अधिक से पैरेन्काइमा लेयर्स से बनी होती है। इसके भीतर स्थित जाइलम तथा फ्लोएम से निर्मित भाग वैस्कुलर स्टैंड कहलाता है। अब जो आपने पढ़ा था पैरेन्काइमेटिक, ठीक है, या पैरेन्काइमा जो आपकी लेयर्स है इसके अंदर आपका जाइलम तथा फ्लोएम से निर्मित भाग, उसे हम क्या कहते हैं, वैस्कुलर स्टैंड कहते हैं। क्या कहते हैं, वैस्कुलर स्टैंड। अब यहाँ पर अगर हम बात करें जाइलम की, किसकी, जाइलम की और फ्लोएम की, ये आपके क्या, ये दोनों आपके ऊतक हैं। क्या है, ऊतक या टिश्यू है, ठीक है, ये दोनों क्या है आपके ऊतक। लेकिन पौधों में इन दोनों ऊतकों का जो काम है वो अलग अलग होता है, ठीक है। जाइलम की अगर हम बात करें तो जाइलम का क्या काम काम क्या होता है, इसका काम होता है वाटर ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है, पानी का एक जगह से दूसरी जगह पानी को ले जाना, ठीक है। और जो आपका फ्लोएम होता है इसका क्या काम होता है, ये क्या काम करता है, ये करता है जो पत्तियों में आपका भोजन बनता है फोटोसिंथेसिस क्रिया द्वारा, उसको पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाना कौन करता है, आपका फ्लोएम, ठीक है। तो ये दोनों क्या है आपके, दोनों आपके ऊतक हैं, ठीक है, जिनके दोनों के काम आपके अलग अलग हैं। इनसे निर्मित आपका वैस्कुलर स्टैंड कहलाता है। इन दोनों से जो बनता है उसे कहते हैं वैस्कुलर स्टैंड। कह रहा है स्टील के बाहर एंडोडर्मिस होती है, वे स्टील के सबसे बाहर जो होता है वो क्या होता है आपका, एंडोडर्मिस होता है, ठीक है, याद रहेगा ना, कुछ इस तरह से स्टील का स्ट्रक्चर होता है। तो उसके बाहर वाली त्वचा को हम क्या कहते हैं, एंडोडर्मिस कहते हैं। कह रहा है वैस्कुलर सिलेंडर में मध्य भाग में स्थित होता है, जो आपका वैस्कुलर सिलेंडर होता है, क्या होता है, वैस्कुलर सिलेंडर, जो किससे बना होता है आपका, जाइलम और फ्लोएम से मिलकर बना होता है, उसके बीच बीच में क्या होता है आपका, पित्त होता हो सकता है, ठीक है, पित्त आपका हो सकता है अगर इसकी हम बात करें तो। कह रहा है लंगो शब्द का प्रयोग केवल प्राइमरी वैस्कुलर टिश्यू के लिए किया जाता है, जो आपका स्टील है या लंग जो आपका शब्द है इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है, प्राइमरी वैस्कुलर टिश्यू के लिए जो है आपका किया जाता है, ठीक है, किसके लिए, प्राइमरी वैस्कुलर टिश्यू के लिए किया जाता है। अगर हम बात करें, कह रहा है एरिडोफाइट्स में मुख्य रूप से पांच प्रकार की स्टील्स पाई जाती है। एरिडोफाइट्स जो आपके पौधे होते हैं उनमें पांच प्रकार के स्टील्स पाई जाती है। नंबर एक होता है आपका प्रोटो स्टील, दूसरा होता है आपका साइफोनो स्टील, थर्ड आपका होता है सोलेनो स्टील, ठीक है, प्रोटो स्टील, दूसरा है साइफोनो स्टील, थर्ड है आपका सोलेनो स्टील, फोर्थ आपका है डिक्टियो स्टील, क्या है, डिक्टियो स्टील, फिफ्थ आपका है पॉलीसाइक्लिक स्टील, क्या है, पॉलीसाइक्लिक स्टील। तो ये पांच प्रकार के जो है स्टील आपके पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं पांच प्रकार के स्टील आपके, तो ये हम पढ़ रहे हैं टेरिडो फाइट, क्या पढ़ रहे हैं, टेरिडो फाइट, टेरिडो फाइट में जो है पांच प्रकार के आपके स्टील पाए जाते हैं। इन सभी को हम एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें प्रोटो स्टील, क्या आ जाएगा आपका, प्रोटो स्टील, ठीक है, तो आप पढ़ेंगे सबसे पहले पढ़ना है आपको प्रोटो स्टील। प्रोटो स्टील क्या होता है, कह रहे ये मोस्ट प्रिमिटिव तथा सिंपलेस्ट टाइप ऑफ स्टील की है, क्या है, ये सबसे पुरानी, कैसी है, मोस्ट प्रिमिटिव, ठीक है, सबसे पुरानी और सिंपलेस्ट टाइप यानी कि सबसे साधारण, कैसी है, सबसे पुरानी भी है और सबसे साधारण प्रकार की एक स्टील है या एक रंभ है, ठीक है, क्या है, सबसे पुरानी और सबसे साधारण प्रकार की जो है एक रंभ है। इसकी बात कर रहे हैं प्रोटो स्टील की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं जिसमें जाइलम का सेंट्रल कोर होता है, जिसमें क्या होता है आपका जाइलम का सेंट्रल कोर होता है, यानी कि जो बाहरी ढेर बना होगा वो किसका होगा, जाइलम का होगा। कह रहा है जो फ्लोइंग द्वारा बाहर की ओर से सराउंडेड रहता है, अब उसको भी कौन घेरे रहता है आपका, फ्लोएम, ठीक है, फ्लोएम क्या करता है बाहर की ओर से उसको सराउंड करके रखता है या बाहर की ओर से घेरे रहता है। इस प्रकार की स्टील लाइकोपोडियम तथा सिलेजनेला के स्टेम्स में पाई जाती है। ये जो आपका स्टील होता है प्रोटो स्टील, इस प्रकार का स्टील आपका एग्जाम्पल की बात करें तो क्या लिखना आपको, लाइकोपोडियम और सिलेजिनेला, ठीक है, इन दोनों, ये दो एग्जाम्पल है जिनमें आपका प्रोटो स्टील जैसा रंग पाया जाता है, ठीक है। प्रोटो स्टील निम्न प्रकार की होती है। अब प्रोटो स्टील के अंदर भी आपकी सब आइडेंस है, या आप कह सकते हैं कि आपका प्रोटो स्टील भी निम्न प्रकार के होते हैं, तो कौन कौन से प्रकार है अब हमने देखना है कि प्रोटो स्टील के
कितने प्रकार होते हैं उनको हमने पढ़ना है। पहले हमने क्या जाना था कि जो आपके स्टील ड्राइव टेरिडो फायडा में स्टील कई पांच प्रकार के होते हैं। सबसे पहला क्या था आपका प्रोटो स्टील, ठीक है। अब प्रोटो स्टील को हमने पढ़ लिया। अब कह रहा प्रोटो स्टील निम्न प्रकार के होते हैं, तो इनमें कौन कौन से प्रकार है। पहला ये आ जाएगा आपका हैप्लो स्टील। क्या आ जाएगा? हैप्लो स्टील, जो कि प्रोटो स्टील के अंतर्गत आता है। तो हैप्लो स्टील की अगर हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा आपका हैप्लो स्टील। कह रहे इस प्रकार की प्रोटो स्टील में जाइलम की सेंट्रल जो प्रोटो स्टील होती है ये भी क्या है, ये इससे मिलकर बनी होती है, निम्न प्रकार के स्टील से मिलकर बनी होती है, जिसमें आपका क्या है पहला हैप्लो स्टील। तो कह रहा है इस प्रकार की प्रोटो स्टील जो हैप्लो स्टील एक प्रकार की क्या प्रोटो स्टील ही है, ठीक है, में जाइलम सेंट्रल सॉलिड कोर होती है। इसमें क्या होता है भाई, जो जाइलम होता है क्या होता है, जाइलम की सेंट्रल सॉलिड कोर होती है। क्या होता है? सेंट्रल सॉलिड कोर होती है जो फ्लोएम की कंसेंट्रिक लेयर से घिरा रहता है। किससे घिरा रहेगा? ये जाइलम होगा आपका कहाँ होगा, बीच में होगा, ठीक है, जो किससे घिरा रहेगा, फ्लोएम की कॉन्सेंट्रिक लेयर। कॉन्सेंट्रिक लेयर मतलब संकेंद्रीय पदार्थ लेयर। क्या होती है? संकेंद्रीय संकेंद्रीय सतह। किससे घिरा रहता है? जाइलम फ्लोएम की संकेंद्रीय सतह से घिरा रहता है। यह स्टील प्रोटो स्टील में सबसे अधिक प्रिमिटिव मानी जाती है। कौन सी स्टील? ये जो आपका हैप्लो स्टील, ये प्रिमिटिव स्टील्स में सबसे प्रिमिटिव या सबसे पुरानी जो है मानी जाती है, ठीक है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें हैप्लो स्टील के एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, स्लेजनेलिया आपका स्लेजनेलिया क्रोसियनल, ठीक है, स्लेजनेलिया क्रोसियनल, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये एग्जाम्पल हो जाएगा आपका किसका, हैप्लो स्टील का। दूसरा क्या है आपका, दूसरा है एक्टिनो स्टील। क्या है आपका? एक्टिनो स्टील, ठीक है। एक्टिनो स्टील के बारे में हम देखते हैं क्या है एक्टिनो स्टील। तो कह रहा है इस प्रकार की स्टील में जाइलम की रेडिएटिंग, जो आपका जाइलम है उसकी रेडिएटिंग रिब्स पाई जाती है। क्या पाया जाता है भाई? जाइलम की रेडिएटिंग रिब्स, ठीक है, ये इस तरह की अभी हम देखेंगे स्ट्रक्चर में। और फ्लोएम पैचेस जाइलम के अल्टरनेट होते हैं, और जो आपका फ्लोएम है वो क्या होता है, पैचेस में पाया जाता है, ठीक है, किसमें, पैचेस में पाया जाता है और जाइलम के अल्टरनेट होता है, ठीक है। जाइलम के अल्टरनेट मीन, तो पहले आपका क्या आ जाएगा, जाइलम आ जाएगा, फिर फ्लोएम, फिर जाइलम, फिर फ्लोएम, इस तरह से क्या होगा, वो जाइलम के अल्टरनेट होगा। और कह रहे हैं इसे स्टार शेप्ड स्टील भी कहा जाता है, यानी कि इसका जो आकार होता है वो स्टार के समान होने के कारण से क्या कह दिया, स्टार शेप्ड स्टील के नाम से भी इसको जाना जाता है। किसको? एक्टिनो स्टील को। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें एक्टिनो स्टील के एग्जाम्पल, यानी कि इस तरह का स्टील किसमें पाया जाता है, तो ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, लाइकोपोडियम। क्या? लाइकोपोडियम सेरेटम। क्या हो जाएगा? लाइकोपोडियम सेरेटम। किसका? एक्टिनो स्टील का। यहाँ पर आपके एग्जाम्पल दे रखे हैं। ये आपका ये बी है, आपका ये सी और ये डी। अब तक हमने क्या पढ़ा था, ए और बी, ठीक है, केवल हमने क्या जाना था, ए और बी के बारे में जाना है, ठीक है। ए और तो यहाँ पर अगर हम बात करें देखो ए वाला, ये इसमें क्या था, इस प्रकार की प्रोटोस्टील में जाइलम की सेंट्रल सॉलिड कोर होती है। किसकी? जाइलम की सेंट्रल सॉलिड कोर। जाइलम की क्या होगी भाई? सेंट्रल सॉलिड कोर होगी। ये क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, इसके अंदर जो आपका भरा है ये क्या हो जाएगा? जाइलम हो जाएगा, जो कि कैसा होता है, सॉलिड कोर होती है, ठीक है, जाइलम की। और कह रहा है कि फ्लोएम की कॉन्सेंट्रिक लेयर से घिरा रहता है। किससे घिरा रहता है? फ्लोएम से आपका ये घिरा रहता है, ये जो आपका है सेकंड, ये आपका क्या है, फ्लोएम, जो कि फ्लोएम की कॉन्सेंट्रिक लेयर से घिरा रहता है, ठीक है, कौन, जाइलम आपका, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, ठीक।
दूसरा अगर हम बात करें, दूसरा क्या था, एक्टिनो स्टील। तो एक्टिनो स्टील में क्या कह रहा है, इस प्रकार की स्टील में जायलम की रेडिएटिंग, किसकी, जायलम। ये जो आपका जायलम दिखाई दे रहा है जस्ट लाइक स्टार शेप, ये आपका क्या है, जायलम है। ठीक है, इसके अंदर रिब्स पाई जाती है, तो ये क्या आपकी जायलम की रिब्स है। ठीक है, और कह रहा है फ्लोएम पैचेज, और आपका जो फ्लोएम होता है वो किसमें रहता है, पैचेज में रहता है। ठीक है, किस तरह से, इस तरह से आपका पैचेज में रहेगा। और कह रहा है जायलम के अल्टरनेट होता है, मतलब पहले आपका क्या हो गया जायलम, फिर फ्लोएम, फिर जायलम, फिर ये क्या है आपका जायलम है। ठीक है, ये क्या है आपका जायलम, फिर ये क्या आ गया आपका फ्लोएम आ गया, फिर दोबारा से जायलम आ गया, फिर फ्लोएम आ गया, फिर आपका जायलम, फिर फ्लोएम, फिर जायलम, फिर। तो इस तरह से क्या होता है, ये जायलम के अल्टरनेट होता है, इसे स्टार शेप्ड स्टील भी कहा जाता है। तो ए और बी आपके यहाँ से हो गए। ठीक है, ये क्या है, ए और बी। अब हम बात करेंगे, उसके बाद हम फिगर को देखेंगे, पहले हम क्या देख ले, डेफिनेशन देख लिया, परिभाषा देख ले। तो सी की अगर हम बात करें तो कह रहा है फ्लेक्टो स्टील। ठीक है, सी क्या है आपका, फ्लेक्टो स्टील, जिसमें क्या होता है, कह रहा है इस प्रकार की स्टील में, प्रोटो स्टील में जायलम तथा फ्लोएम की अल्टरनेट पैरेलल प्लेट्स पाई जाती है। किसमें, ये जो आपका क्या है फ्लेक्टो स्टील, इसमें क्या होता है कि जायलम तथा फ्लोएम की अल्टरनेट प्लेट्स, अल्टरनेट पैरेलल प्लेट्स पाई जाती है। तो देख लो किसमें, सी में, ये जो आपका सी है, इसमें क्या है जायलम और फ्लोएम की, किसकी, जायलम और फ्लोएम की, ये क्या हो जाएगा आपका जायलम, और ये क्या हो जाएगा आपका फ्लोएम। जो इस तरह की संरचनाएं दिखाई दे रही है, ये क्या है आपकी जायलम की। ठीक है, ये वाला समझना, ये आपकी जायलम है, और ये क्या है आपका फ्लोएम, फिर दोबारा से फ्लोएम आ गया, फिर जायलम, फिर फ्लोएम, फिर जायलम, फिर फ्लोएम। तो इस तरह से इसमें क्या होता है, जायलम और फ्लोएम की क्या होती है, अल्टरनेट पैरेलल प्लेट्स जो है आपकी इसमें पाई जाती है। ठीक है, अगर हम बात करें तो कह रहा है स्टील। ठीक है, स्टीलेट स्टील, इस प्रकार की स्टील में जायलम अव्यवस्थित होता है, जायलम और फ्लोएम एक दूसरे के बाद लगे होते हैं। इसमें क्या होगा आपका स्टीलेट स्टील में क्या होगा, कह रहा है जायलम अव्यवस्थित होता है। ठीक है, जायलम की कोई व्यवस्था नहीं होती, उसका कोई अरेंजमेंट नहीं होता, लेकिन पाया जाता है, कह रहा है जायलम और फ्लोएम एक दूसरे के बाद लगे होते हैं, जैसे लाइकोपोडियम एंटोनियम। तो यहाँ पर देख लो आप डी। ठीक है, डी में क्या कह रहा है, इन दोनों का कोई ये जायलम व्यवस्थित नहीं होता, लेकिन क्या है आपका जो जायलम है और फ्लोएम है वो एक दूसरे के बाद में लगे रहते हैं। ठीक है, डी की अगर हम बात करें यहाँ पर, इसमें क्या होगा जायलम और आपका क्या होगा फ्लोएम, ये एक दूसरे के बाद में लगे रहेंगे, लेकिन कह रहा है जायलम का यहाँ पर कोई अरेंजमेंट नहीं होता। तो ये क्या है आपका सबसे बाहरी लेयर है, इसमें क्या है कुछ इस तरह से आपका जायलम पाया जा रहा है। ठीक है, ये क्या है आपका जायलम, और इसके अंदर क्या है आपका फ्लोएम, ये क्या है आपका फ्लोएम। इसको हम कह सकते हैं कि ये आपका क्या है जायलम, और ये जो आपका है, ठीक है, ये सीधी रेखा है जो आपको कुछ इस तरह की दिखाई दे रही है, ये क्या है आपकी फ्लोएम, कहा है एक के बाद एक व्यवस्थित है। ठीक है, जायलम फिर फ्लोएम फिर जायलम फिर फ्लोएम, तो इस तरह से दोनों यहाँ पर जायलम और फ्लोएम जो है व्यवस्थित है। ये आपका है, एक और रह गया इसमें, ये कह रहा है मिक्स्ड प्रोटो स्टील, क्या है आपका मिक्स्ड प्रोटो स्टील। तो इसमें क्या होगा, कह रहा है इस प्रकार की स्टील में जायलम तथा फ्लोएम पैचेज समान रूप में बिखरे रहते हैं। अब इसमें क्या होगा, जो आपका मिक्स प्रोटो स्टील है इसमें जायलम और फ्लोएम, ठीक है, दोनों आपके क्या है ये टिश्यूज है, ये किस फॉर्म में पाए जाएंगे, ये आपके पैचेज या पाउच की फॉर्म में जो है बिखरे रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो लाइकोपोडियम कैरनम, क्या हो जाएगा लाइकोपोडियम कैरनम। तो यहाँ पर देख लो आप ई वाला, इसमें क्या है आपका जायलम और फ्लोएम, कुछ इस तरह से जो है आप पैकेट या पैचेज के रूप में आपको ये देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, जायलम और फ्लोएम इस तरह से, ये जो रेड रेड है ये आपका क्या हो जाएगा जायलम, जो आपका डॉट 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 दिख रहा है ये क्या हो जाएगा आपका फ्लोएम। तो इस तरह से आपका इसमें क्या हो जाएगा, जायलम और फ्लोएम दोनों क्या होते हैं, एक
समान रूप से, ठीक है, पेंसिल के रूप में समान रूप से जो है लिख रहे हैं। अब आपका आ गया सेकंड, ठीक है, अब हम बात करते हैं जो आपका सेकंड पॉइंट है। इससे पहले ये पूरा था आपका प्रोटो स्टील, ठीक है, प्रोटो स्टील में भी आपके चार पांच थे, ठीक है, प्रोटो स्टील में भी पांच प्रकार के स्टील थे। अब दूसरा आपका आ गया साइफोनो स्टील, क्या आ गया साइफोनो स्टील, ये क्या होता है, कह रहा है ये मॉडिफाइड प्रोटो स्टील है, क्या है मॉडिफाइड प्रोटो स्टील, ठीक है, प्रोटो स्टील के ही समान है लेकिन क्या है इसमें कुछ अंतर या कुछ परिवर्तन हो गए हैं, इसलिए क्या है मॉडिफाइड प्रोटो स्टील है। कह रहा है जिसमें आपके स्टील के सेंटर में पिथ, क्या होता है सेंटर में आपका कुछ पिथ पाया जाता है, इसे मैडुलेटेड प्रोटो स्टील भी कहा जाता है, क्या कहते हैं इसको, जो आपका साइफोनो स्टील है इसी को मैडुलेटेड प्रोटो स्टील के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, इसके सेंटर में क्या पाया जाता है पिथ पाया जाता है, इसको मैडुला कहते हैं, इसी कारण इसको मैडुलेटेड प्रोटो स्टील के नाम से भी जानते हैं। यह आपकी दो प्रकार की होती है, क्या साइफोनो स्टील आपकी दो प्रकार की होती है, ठीक है, कौन कौन से प्रकार की होती है, नंबर एक आपका क्या आ जाएगा एक्टो, नंबर ए आपका आ जाएगा एक्टो फ्लोइक, क्या आ जाएगा एक्टो फ्लोइक स्टील, ठीक है। तो कह रहा है इस प्रकार की स्टील में पिथ के केंद्र में, इस प्रकार की स्टील में पिथ जो है वो केंद्र में पाया जाता है, पिथ आपका कहाँ होगा केंद्र में होगा, जिसके बाहर की ओर जाइलम तथा फ्लोएम की कॉन्सेंट्रिक रिंग पाई जाती है, क्या जिसके बाहर क्या होता है, मान लो बीच में क्या है पिथ और बाहर क्या है आपका किसकी रिंग है आपकी जाइलम और फ्लोएम की कॉन्सेंट्रिक, ठीक है, समकेंद्रीय रिंग तो है लेकिन दोनों रिंग्स का जो केंद्र है सेंटर है वो एक ही होता है, ठीक है, तो क्या है भी जाइलम और फ्लोएम, एक क्या होगा आपका जाइलम और दूसरी रिंग क्या होगी आपकी फ्लोएम की होगी, ठीक है। उदाहरण की बात करें तो ये किसमें पाए जाते हैं आपके फर्न में जो है आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है, क्या चीज आपके एक्टोफ्लोइक, ठीक है एक्टोफ्लोइक। दूसरा आपका क्या हो गया बी आपका, बी आपका है एम्फीफ्लोइक, क्या है आपका एम्फीफ्लोइक, एम्फीफ्लोइक में क्या होगा कि इस प्रकार की स्टील में पिथ केंद्र में होता है, इसमें भी पिथ कहाँ होगा केंद्र में होगा, ठीक है, कह रहा है फ्लोइम के दो रिंग होते हैं, फ्लोइम के कितने रिंग होंगे इसमें दो, ठीक है, उसमें कितना था आपका केवल एक ही रिंग था फ्लोइम का और एक ही रिंग था किसका जाइलम का, लेकिन दोनों कैसे थे कॉन्सेंट्रिक थे, ठीक है, जिसके बीच में जाइलम पाया जाता है, ठीक है, क्या कह रहा है, कह रहा है कि फ्लोएम के दो रिंग होते हैं, क्या होते हैं मान लो एक आपका फ्लोएम ये है दूसरा आपका फ्लोएम ये, बीच में आपका जाइलम पाया जाता है, तो ये जो है बीच में आपका क्या होगा जाइलम होगा, ठीक है, बीच में क्या होगा जाइलम होगा। उदाहरण की बात करें तो क्या हो जाएगा मार्सेलिया और आपका मार्सेलिया और राइजोम, ठीक है, मार्सेलिया का राइजोम किसका उदाहरण है ये आपका एम्फीफ्लोए का, किसका एम्फीफ्लोए का उदाहरण, ठीक है, तो इस तरह का जो आपका स्टील है वो मार्सेलिया में पाया जाता है। तो ये में हमने क्या पढ़ा था, ये भी क्या पढ़ा था कि जाइलम और फ्लोएम दोनों की लेयर्स होती है, क्या होता है जाइलम और फ्लोएम दोनों की लेयर्स, और बीच में आपका क्या पाया जाता है पिथ पाया जाता है, ये बीच में आपका क्या है ये बीच में आपका पूरा पिथ है, ठीक है, दोनों में, पहले में क्या था कि एक जाइलम और उसको कौन घेरे रहता है फ्लोएम, यानी कि जाइलम और फ्लोएम की दो रिंग्स होती हैं जो कैसी होती है आपकी कॉन्सेंट्रिक होती है यानी कि समकेंद्रीय होती है, तो इसकी अगर हम बात करें तो ये क्या है आपका ये फर्स्ट लेयर आपकी किसकी है, ये आपकी है जाइलम की, किसकी है जाइलम की, ठीक है, और जो बाहर लेयर इस तरह से दिखाई दे रही है ये लेयर किसकी है आपकी फ्लोएम की, ठीक है, किसकी है फ्लोएम की, तो ये किसका था ए का हो गया, ठीक है, किसका हो गया ए का हो गया आपका, बी की अगर हम बात करें तो उसमें क्या कहा है आपसे, बी में क्या कहा था, बी में कहा था कि दो आपकी फ्लोएम की लेयर होती हैं जिनमें बीच में आपका जाइलम भरा रहता है, ठीक है, फ्लोएम की लेयर कितनी होती है दो, जिनमें बीच में क्या भरा रहता है जाइलम भरा रहता है, तो मान लो अगर हम बात करें ये क्या है आपका फ्लोएम, क्या है ये जो लेयर है आपकी ये वाली सबसे बाहरी लेयर, तो ये क्या होगी आपकी फ्लोएम की लेयर है, ठीक है, फ्लोएम की लेयर है और ये आपकी ये और अंदर ये लेयर दिखाई दे रही है, ठीक है, ये वाली जो लेयर है ये आपकी किसकी है ये भी आपकी फ्लोएम की है, तो क्या हो गया वे मान लो एक क्या है आपका ये वाली लेयर है और दूसरी लेयर क्या है आपकी ये है, ठीक है, ये भी फ्लोएम और ये भी फ्लोएम,
जो अंदर वाली लेयर है वो क्या है, इनर फ्लोएम, और जो बाहर वाली लेयर है वो क्या है आपका, आउटर फ्लोएम। अब इसके बीच में क्या भरा रहेगा, इसके बीच में आपका फ्लोएम जाइलम भरा रहता है। क्या भरा रहता है, बीच में आपका जाइलम कुछ इस तरह से जो है पाया जाता है, ठीक है, इस तरह से जो है आपका जाइलम इसमें, इस तरह से जो है आपका जाइलम बीच में इसमें भरा रहेगा, ठीक है, ये होगा आपका जाइलम, ठीक। ये आपके हो गया आपका बी वाला हो गया, जिसमें क्या था कि फ्लोएम की आपकी दो रिंग्स होती हैं जिनके बीच में आपका जाइलम भी भरा रहता है, ठीक है, जाइलम भरा रहता है। अब क्या आएगा आपका तीसरा स्टील आएगा, क्या आएगा आपका थर्ड नंबर जो है आपका आएगा, जो क्या था आपका सोलेनो स्टील, क्या था सोलेनो स्टील, क्या है आपका सोलेनो स्टील। सबसे पहले क्या पढ़ा था आपने, सबसे पहले आपने पढ़ा था प्रोटो स्टील, जिसके भी हमने पांच भाग पढ़े थे। उसके बाद सेकंड सेकंड आपने क्या पढ़ा था, साइफोनो स्टील, क्या पढ़ा था साइफोनो स्टील, जिसमें हमने दो भाग पढ़े थे। अब आपका थर्ड आ गया, तीसरा है आपका सोलेनो स्टील। अब हम देखते हैं इसके कोई भाग है या नहीं है, अब ये आखिर है क्या, कह रहा है यह एक प्रकार की क्या है सिंफोनो स्टील है, क्या है सिंफोनो स्टील है, जिसमें क्या होता है, जिसमें केवल एक लीफ गैप पाया जाता है, क्या पाया जाता है, जिसमें एक लीफ गैप यानी कि थोड़ा सा स्थान जो है खाली स्थान पाया जाता है, कह रहा है लीफ गैप के स्थान पर लीफ ट्रेस पाए जाते हैं, क्या लीफ गैप के स्थान पर लीफ ट्रेस पाए जाते हैं, यहाँ जाइलम तथा फ्लोएम के रिंग्स इनकम्प्लीट होते हैं। जाइलम और फ्लोएम के रिंग्स कैसे होते हैं, इनकम्प्लीट होते हैं, पूरी तरह से कम्प्लीट जो है नहीं होते हैं, ठीक है, ये किसकी बात है, सोलेनो स्टील पढ़ रहे हैं। कह रहा है सोलेनो स्टील आपके दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से प्रकार के होते हैं, सबसे पहले अगर हम बात करें सोलेनो सोलेनो स्टील की, तो हो जाएगा आपका एक्टोफ्लोइक सोलेनो स्टील, क्या हो जाएगा एक्टोफ्लोइक सोलेनो स्टील, ठीक है, एक्टोफ्लोइक सोलेनो स्टील, ठीक, फर्स्ट आपका हो जाएगा एक्टोफ्लोइक सोलेनो स्टील। ये क्या कह रहा है, कह रहा है यह है स्टील एक्टोफ्लोइक सिफोनो स्टील की तरह होता है, किसकी तरह होता है एक्टोफ्लोइक सिफोनो स्टील की तरह होता है, लेकिन जाइलम तथा फ्लोएम की रिंग इसमें क्या होगा, फिर जाइलम और फ्लोएम की रिंग कैसी होती है, इनकम्प्लीट होती है, जाइलम और फ्लोएम की जो रिंग्स होती है वो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं होती है, कुछ इस तरह से जो है आपको इनकम्प्लीट देखने को मिल जाएंगे, किसमें आपका एक्टोफ्लोइक सोलेनो स्टील में, ठीक है, एक्टोफ्लोइक सोलेनो स्टील, ये तो आपका हो गया बी ए। अब हम बात करते हैं कि बी में क्या होता है और है क्या, बी आपका है एम्फोफ्लोइक सोलेनो स्टील, क्या है आपका बी एम्फोफ्लोइक सोलेनो स्टील, इसमें क्या होगा रिंग्स इनकम्प्लीट होंगी या कंप्लीट होंगी, कह रहा है इस प्रकार की स्टील में पित्त सेंटर में होता है, पित्त कहाँ होगा भाई सेंटर में होगा इस प्रकार के स्टील में, और फ्लोएम की दो इनकम्प्लीट रिंग्स के बीच में आपका जाइलम की एक इनकम्प्लीट रिंग होती है, क्या कह रहा है इसमें जो आपका दूसरा है सोलेनो स्टील का आपका दूसरा है उसमें कह रहा है वो आपका क्या है एम्फीफ्लोइक सोलेनो स्टील, इसमें क्या कह रहा है कि पिथ कहाँ होता है पिथ इसके सेंटर में होता है, और फ्लोएम की दो इनकम्प्लीट रिंग होती है, किसकी फ्लोएम की दो इनकम्प्लीट रिंग होती है, कह रहा है बीच में जाइलम की एक इनकम्प्लीट रिंग होती है, बीच में क्या होगा जाइलम की इनकम्प्लीट रिंग होगी। तो इसमें हम देखते हैं पहले में क्या था आपका लीफ गैप था, ठीक है, और दूसरे में क्या है आपका फ्लोएम की दो इनकम्प्लीट रिंग और बीच में जाइलम की इनकम्प्लीट रिंग है। तो फर्स्ट की अगर हम बात करें तो फर्स्ट में क्या था भाई सेंटर में क्या था पित्त था, क्या था केंद्र में पित्त था, ठीक है, केंद्र में पित्त था, और बीच में क्या था आपका लीफ गैप था, क्या था ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है आपका लीफ गैप है, क्या है आपका ये लीफ गैप है, ठीक है, ये जो गैप दिखाई दे रहा है ये क्या है आपका लीफ गैप है, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका लीफ गैप, और ये जो खाली स्थान पड़ा है ये क्या हो जाएगा आपका पिथ हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर भी एक आपका आउटर है और दूसरा इसके अंदर भी, अंदर जो लेयर है आपको अंदर वो नहीं दिखाई दे रही, केवल एक ही लेयर दिखाई दे रही, यहाँ पर देखो आपको एक लेयर ये और एक लेयर ये दो दिखाई दे रही, बाहर भी आपकी दो दिखाई दे रही, मतलब कि एक लेयर आपकी अंदर है फ्लोर की और एक लेयर आपकी क्या है बाहर, और बीच में जो इस तरह से बना हुआ है, इस तरह से जो आपका बना हुआ है बीच में ये क्या है आपका, ये है आपका जाइलम, क्या है जाइलम, तो
तो ये वाली लेयर और ये वाली लेयर, ये दोनों लेयर क्या है आपकी, फ्लोएम है। ये भी फ्लोएम है, यानी कि बाहर वाली लेयर क्या हो जाएगी, आउटर फ्लोएम, और जो अंदर वाली लेयर है ये क्या हो जाएगी आपकी, इनर फ्लोएम। तो यानी कि ये वाली यानी कि इसमें दो आपकी क्या होती है, फ्लोएम की रिंग्स होती हैं, और बीच में जो आपका कुछ इस तरह से पाया जाता है, ये आपका क्या है, ये आपका है जाइलम। क्या है आपका, जाइलम। और ये तीनों दोनों दो रिंग्स किसकी है आपकी, फ्लोएम की, एक किसकी है जाइलम की, और तीनों यहाँ पर कहती है इनकम्प्लीट है, तीनों आपस में कंप्लीट नहीं हो रही है, ठीक है। और इनमें क्या है भाई, लीफ गैप, ठीक है। क्या है आपका, लीफ गैप, ठीक है। इनकम्प्लीट होती है यानी कि कंप्लीट नहीं होती है। उदाहरण की अगर हम बात करें तो इसमें क्या है, पर्ण, इसमें पाया जाता है इस तरह का स्टील, पर्ण में पाया जाता है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका, ये जो आपका है इस तरह से दिखाई दे रहा है लाइनिंग, ये आपका डायलम हो जाएगा। और ये जो है ये आपका, ये क्या हो जाएगा, ये आप ये वाला जो लेयर है अंदर वाला, ये हो जाएगा इनर फ्लोइंग, और ये जो बाहर वाला लेयर है ये क्या हो जाएगा आपका आउटर फ्लोइंग, और बीच में क्या हो जाएगा, जाइलम हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा आपका, कौन सा हो जाएगा, एम्फी फ्लोइड, सुनैलो स्टील। तो इसमें ये दो प्रकार थे, ठीक है, किसमें, सुनैलो स्टील वाले, ठीक है। अब हम बात करते हैं फोर्थ आपका आ गया, डिक्टियो स्टील। क्या है आपका फोर्थ, डिक्टियो स्टील, ठीक है। डिक्टियो स्टील के बारे में अगर हम देखें तो ये क्या कह रहा है, कह रहा है सिफोनो स्टील। क्या, सिफोनो स्टील, जो कि अभी हमने पढ़ा था, ठीक है। क्या पढ़ा था, सिफोनो स्टील पढ़ा था, जिसमें आपका लीफ गैप भी था और जो आपका डायलम और फ्लोएम की रिंग्स थी वो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं थी। तो कह रहा है जब सिफोनो स्टील में एक से अधिक लीफ गैप, क्या, एक से अधिक लीफ गैप पाए जाते हैं, तो इस प्रकार की स्टील को डिक्टियो स्टील कहते हैं, ठीक है। क्या हो गया, जैसा अभी आपने ऊपर पढ़ा था सिफेलो स्टील, वही है, लेकिन अंतर क्या है, इसमें क्या हो जाएगा, जब एक से अधिक लीफ गैप आपको देखने को मिल जाए तो वो क्या हो जाएगा आपका, डिक्टियो स्टील हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिक्टियो स्टील हो जाएगा। कह रहा है इस स्टील के प्रत्येक पीस को मेरिस्टील कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रत्येक पीस को या प्रत्येक भाग को क्या कहते हैं भाई, इस भाग को क्या कहते हैं, मेरिस्टील कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो कह रहा है ड्रायोप्टेरिस। क्या है, ड्रायोप्टेरिस, ठीक है। किसका एग्जाम्पल, आपका डिक्टियो स्टील का एग्जाम्पल है। अब हम देख लेते हैं कि इसका जो स्ट्रक्चर है इसमें क्या होता है। डिक्टियो स्टील में क्या कहा है आपसे, कहा है स्टिफेनो स्टील जैसा होता है सेम वैसा ही है। इसमें अंतर क्या है, इसमें अंतर ये, जो आपकी फ्लोएम की रिंग्स होती हैं ये आपके, या जो आपका लीफ गैप होता है ये एक से अधिक पाया जाता है, ठीक है। कितना होता है, एक से अधिक पाया जाता है, ठीक है, ये लीफ गैप। और जब ये लीफ आपकी जो लीफ गैप जो है आपका बाहर आ जाता है तो भाई क्या होता है आपका, उस लीफ ट्रेस कहते हैं उसको। क्या कहते हैं, इसको हम लीफ ट्रेस कहते हैं, ठीक है। और ये जो खाली स्थान है ये आपका क्या है, लीफ गैप है। अब इसमें ये जो आपको रिंग्स दिखाई दे रही है ये पूरी तरह से इनकम्प्लीट है, कैसी है, पूरी तरह से इनकम्प्लीट है, ठीक है, पूरी तरह से ये कम्प्लीट नहीं है। सबसे बाहर वाली लेयर किसकी होती है आपकी, फ्लोएम की होती है, और जो बीच में आपके कुछ इस तरह से लेयर पाई जाती है, ठीक है, चौड़ी सी लेयर, ये आपकी किसकी होती है, डायलम की होती है, ठीक है। और ये जो आपके इस तरह के आपके क्या है, इस तरह के जो आपके भाग दिखाई दे रहे हैं या टुकड़े दिखाई दे रहे हैं, इन्हें हम कहते हैं मेरिस्टील्स। क्या कहते हैं, मेरिस्टील्स कहलाते हैं, ठीक है। तो ये भी मेरिस्टील्स, ये भी मेरिस्टील्स, ये भी और ये भी, ठीक। ये जो भाग होते हैं आपके, ये इनकम्प्लीट जो रिंग्स होती है जाइलम फ्लोएम की, इनके टुकड़ों को कहते हैं मेरिस्टील कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, मेरिस्टील कहते हैं। और ध्यान रखना है कि इसके सेंटर में क्या होता है, पिथ होता है। क्या होता है, सेंटर में पिथ होता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे जो चार स्टील यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। अब हम बात करते हैं फिफ्थ, जो कि आपका क्या है, फिफ्थ वाला है पॉलीसाइक्लिक स्टील। क्या है आपका, पॉलीसाइक्लिक स्टील, यानी कि इसमें आपकी एक से अधिक साइकिल जो है रिंग देखने को मिल जाएंगे। कह रहा है जब कई आकार की मेरिस्टील्स, क्या, जब कई आकार के मेरिस्टील दो या अधिक कॉन्सेंट्रिक रिंग में पाई जाती है। किसमें, कह रहा है दो या अधिक कॉन्सेंट्रिक रिंग में पाई जाती है, दो रिंग हो या उससे अधिक रिंग्स हो उसमें कॉन्सेंट्रिक पाई जाती है, ठीक है, संकेंद्रीय रिंग्स पाई जाती है। जैसे क्या हो जाएगा, ठीक है, टेरिस क्या है, एक आपका ग्रेफाइट है जिसमें आपका इस तरह का जो है स्टील पाया जाता है। इसमें क्या कहा है, जब कई आकार की मेरिस्टील्स दो
या अधिक कॉन्सेंट्रिक रिंग में पाई जाती है तो आपका क्या होता है, तो वहां पर आपका होता है पॉलीसाइक्लिक स्टील। अब देखो इसमें क्या, ये आपका क्या है, सबसे बाहरी लेयर है, क्या है ये आपकी सबसे बाहरी लेयर है, और इसके बीच में क्या पाया जाएगा आपका पिथ, बीच में क्या है आपका पिथ है, ठीक है। हम पढ़ के आ रहे हैं पॉलीसाइक्लिक स्टील, ये जो आपको टुकड़े दिखाई दे रहे हैं ये किसके टुकड़े हैं भाई, ये टुकड़े किसके हैं आपके, जाइलम और फ्लोएम के, किसके हैं, जाइलम और फ्लोएम के। यानी कि ये जो आपकी रिंग कंप्लीट होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए आपकी रिंग जो है, कंप्लीट होनी चाहिए इस तरह से, ये कंप्लीट नहीं, कहते हैं इनकम्प्लीट टुकड़े हैं, ठीक है। इन्हीं को क्या कहते हैं, इनकम्प्लीट टुकड़ों को क्या कहा है, इन्हीं को कह दिया है मेरिस्टील, क्या कह दिया है, इन्हीं को कह दिया है मेरिस्टील कह दिया, ठीक है, मेरिस्टील है ये इसके। और ये क्या है आपका लीफ ट्रेस है, क्या है आपका ये लीफ ट्रेस है, और ये जो खाली जगह है इसको क्या कहते हैं, लीफ गैप, क्या कहते हैं इसको, ये खाली जगह आपका क्या हो जाएगा, लीफ गैप, और ये क्या है आपका लीफ ट्रेस है, क्या है लीफ ट्रेस। तो इसमें क्या है भी, एक से अधिक, कितना, एक से अधिक, दो या अधिक आपका कॉन्सेंट्रिक 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 रिंग पाई जाती है। तो यहाँ पर एक रिंग आपकी ये हो जाएगी, और इसी तरह से दूसरी रिंग आपकी ये हो जाएगी, और इसी तरह से एक रिंग इसके अंदर आपकी और हो सकती है, ठीक है। तो दो या अधिक कॉन्सेंट्रिक रिंग पाई जाती है किसमें, अब पॉलीसाइक्लिक स्टील पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, पॉलीसाइक्लिक स्टील, ठीक है, पॉलीसाइक्लिक स्टील, दो या अधिक कॉन्सेंट्रिक रिंग इसमें पाई जाती है, एक रिंग आपकी ये हो गई, ठीक है, कॉन्सेंट्रिक रिंग कैसी हो जाएगी, कॉन्सेंट्रिक रिंग, और दूसरी आपकी हो जाएगी सी आर कॉन्सेंट्रिक रिंग। ध्यान रखना है कि इसमें जो जाइलम और फ्लोएम की रिंग्स है वो पूरी तरह से कैसी है, इनकम्प्लीट है, पूरी तरह से कम्प्लीट नहीं है, ठीक है। तो इनको हमने क्या कह दिया, मेरिस्टेल कह दिया, ठीक है, और इनके बीच में क्या है आपका खाली स्थान है जिसे लीफ गैप कहते हैं, और इस खाली स्थान के बाहर आपका क्या है, एक संरचना है जिसे हम कहते हैं लीफ ट्रेस, क्या कहते हैं, लीफ ट्रेस कहते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर आपके जो स्टील्स थे पांच प्रकार के वो आपके कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है, क्या हो गया, वो आपके जो है कंप्लीट हो चुके हैं, पॉलीसाइक्लिक स्टील। बीच में क्या है आपका पिथ, ठीक है, सेंटर में क्या है पिथ है, और ये जो आपका लेयर है, ठीक है, इस तरह की लेयर अभी हमने पढ़ा था, तो इस तरह की ये लेयर आपकी क्या कहलाती है, जाइलम की लेयर होती है, सबसे बाहरी लेयर और सबसे अंदरी लेयर, ये क्या होती है आपकी फ्लोएम की होती है। तो यहाँ पर ये वाली लेयर आपकी किसकी हो जाएगी, फ्लोएम की, और ये जो आपका इस तरह की संरचना क्या है, लीफ ट्रेस कहते हैं, और ये जो खाली स्थान होता है इसे क्या कहते हैं, लीफ गैप कहते हैं, क्या कहते हैं, लीफ गैप कहते हैं। और ये जो आपको बड़ी संरचना ये वाली दिखाई दे रही है, इसमें क्या है आपका, ये जो बाहर है आपका, ये जो बाहर वाली संरचना है ये क्या हो जाएगी, आउटर रिंग, क्या हो जाएगी, आउटर रिंग हो जाएगी, क्या हो जाएगी, आउटर रिंग ये वाली। और ये जो आपकी छोटी वाली रिंग है एक और, ये क्या हो जाएगी आपकी इनर इनर रिंग हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें क्या है, दो या अधिक कॉन्सेंट्रिक रिंग है, कितनी है, दो या अधिक कॉन्सेंट्रिक आपकी रिंग जो है यहाँ पर दिखाई दे रही है, और इस तरह से ये क्या हो जाएगा आपका पॉलीसाइक्लिक स्टील हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपके जो है स्टील यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं, और ये जो है आपका क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। हमने क्या पढ़ा था, स्टील स्टील किसमें पढ़ा था, स्टील टेरिडोफाइटा में, किसमें, टेरिडोफाइट में, टेरिडोफाइट में पढ़ा था, ठीक है, टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट में स्टील हमने कितने प्रकार के पढ़े थे, पांच प्रकार के पढ़े थे, कितने प्रकार के पढ़े थे अभी, पांच प्रकार के हमने स्टील इसमें पढ़ा था। सबसे पहला आपका था प्रोटोस्टील, जिसके भी पांच प्रकार थे, पांच प्रकार थे, ठीक है। दूसरा था आपका साइफोनो स्टील, जिसके भी जिसके आपके दो प्रकार थे, ठीक है, साइफोनो स्टील आपका दो प्रकार का था। उसके बाद हमने थर्ड पढ़ा था सोलेनो स्टील, क्या पढ़ा था, थर्ड आपका था सोलेनो स्टील, ठीक है, इसके भी आपके दो प्रकार के थे। फोर्थ हमने पढ़ा था डिक्टियो स्टील, क्या पढ़ा था, डिक्टियो स्टील, जो कि एक ही प्रकार का था। और फिफ्थ आपने क्या पढ़ा था, पॉलीसाइक्लिक स्टील, क्या पढ़ा था, पॉलीसाइक्लिक स्टील। और इस तरह से आपके जो है स्टील कंप्लीट हो गए, ठीक है।
टेरिडोफाइट में कितने प्रकार के होते हैं, सभी के प्रकार जाने थे, उनमें सब टाइप भी थे, उनको भी हमने पढ़ा था, ठीक है। तो इस तरह से आपका सेकंड क्वेश्चन यानी कि स्टील आपके टेरिडोफाइट में कंप्लीट हो गए हैं। और यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं या पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही पास में लगा बेल आइकन दबा दें, जिससे कि सभी प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और बताना चाहूंगा, अगर आपको किसी भी वीडियो का पीडीएफ फॉर्म चाहिए, ठीक है, किसी भी वीडियो का पीडीएफ फॉर्म चाहिए, तो उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख लेना, लिंक मिल जाएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा जहाँ से आप पीडीएफ फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, और अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। साथ ही साथ बताना चाहूंगा कि इसी एक साइट पे www.paperhacker.in पर अगर आप जाओगे तो वहां से आपको बहुत सारा पढ़ने का मटेरियल मिल जाएगा, ठीक है। तो ओवर करते हैं क्लास को, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग और शेयर द वीडियो।